हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज बात की जाएगी अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में। आज आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट आने वाले समय में आप कब क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा और बात की जाए तो नया चेयरमैन अफगानिस्तान क्रिकेट में बना है, पूरी तरह से आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश आज मैं आपको करूँगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो 3 सितंबर से सीरीज खेली जानी थी, उस सीरीज़ को फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया। रीज़न देखा जाए तो श्रीलंका में ज़्यादा केसेस आने की वजह से श्रीलंका में लॉकडाउन 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट ने कंफर्म किया था ये सीरीज़ यहाँ नहीं हो सकती। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कन्फर्म किया था कि यह सीरीज़ पाकिस्तान में खेली जाएगी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कन्फर्म किया कि यह सीरीज़ इस साल नहीं हो सकती है और ये अगले साल, यानी अगर देखा जाए तो 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच अगले साल सीरीज़ खेली जा सकती है। अभी तक इस सीरीज़ को पोस्टपोन किया गया है और ये बहुत ही बुरी खबर श्रीलंकन, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट और अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। और अफगानिस्तान क्रिकेट में नया चेयरमैन बना है। अगर चेयरमैन को देखा जाए तो ये रीअपॉइंटेड हुए हैं, यानी पहले से ही 2018 तक ये यानी अगर देखा जाए अफगानिस्तान क्रिकेट में चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब फिर से 2 साल के बाद ये अजीज़ुल्लाह फजल फिर से यानी अगर देखा जाए अफगानिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन के तौर पर लिए गए हैं और ये पूरी तरह से कन्फर्म किया गया है कि अजीज़ुल्लाह फजल को ही नया चेयरमैन यानी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान क्रिकेट में बनाया गया है। और ये बहुत ही अच्छी खबर अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कि नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा और बात की जाए तो और तीसरी बड़ी खबर अगर देखा जाए तो राशिद खान और मोहम्मद नबी के बारे में निकल के आ रहा है। अगर बात की जाए तो राशिद खान और मोहम्मद नबी ने कंफर्म किया है कि वो आईपीएल का यानी जो इस साल का सीज़न जो 19 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा उसमें किसी भी हाल में खेलते हुए दिखेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी राशिद खान इस वक्त अगर देखा जाए तो 100 खेलने के लिए अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में थे, लेकिन 100 खत्म होने के बाद अब हो सकता है कि वो कैरेबियन लीग खेलने के लिए जा सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो उनका जो अगला दौरा था जो श्रीलंका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली जानी थी, लेकिन उस सीरीज को पोस्टपोन किया गया। अब हो सकता है कि वो कैर